आपका क्वेश्चन है, अ पर्सन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर एट 30 डिग्री. ही वॉक 50 मीटर्स टूवर्ड द फुट ऑफ द टावर अलोंग विथ लेवल ग्राउंड एंड फाउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एट 60 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे. तो सपोज ये हमारा एक टावर है, ठीक है. तो दिस इज योर ए एंड बी. तो ये आपका टावर हो गया. एंड देखो इसमें क्या कहा है, एन ऑब्जर्वर ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन. एक पर्सन है, कहां है, ग्राउंड में है. तो उसने ऑब्जर्व किया टॉप ऑफ द टावर, फर्स्ट थिंग. ठीक है, तो दिस इज द ऑब्जर्वर, दैट मीन्स इज ए पर्सन. और ये हमारा क्या है, लेवल ग्राउंड. ठीक है, नाउ उसके बाद उसने देखो क्या बोला है, और दिस पॉइंट इज योर पी. सपोज पर्सन इज एट पी. नाउ देखो इसने क्या कहा है, 30 डिग्री. फर्स्ट इज 30 डिग्री, तो दिस इज योर 30 डिग्री. ठीक है, नाउ फिर इसने क्या कहा, देखो ही वॉक 50 मीटर्स टूवर्ड द फुट ऑफ द टावर. तो दिस इज योर टावर, ये इसका फुट है. तो 50 मीटर उसने वॉक किया. उसके बाद उसने क्या किया, देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री. नाउ तो दैट मीन्स फ्रॉम हियर टू हियर, दिस एंगल इज नाउ 60 डिग्री. तो दिस पॉइंट इज योर सी एंड द डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इज 50 मीटर्स. ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज दैट फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट दिस एच, हाइट ऑफ द टावर. ठीक है, नाउ अब यहां पर देखो स्पेस इज 50 मीटर्स, यहां पर स्पेस इज ब्लैंक. वी विल टेक इट एज एक्स मीटर्स. ठीक है, नाउ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल टेक 10 60, है ना. तो 10 हमारा क्या होता है, वो देखो 10 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू क्या है हमारा, अपोजिट बाय बेस, दैट इज एच बाय एक्स, एच बाय एक्स. तो 10 60 डिग्री हमारा कितना होता है, √3. तो वी विल राइट हियर √3. तो √3 इज इक्वल टू एच बाय एक्स. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा एच इज इक्वल टू √3 एक्स. ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा 1060 में आ गया. नाउ अब हम लेंगे 1030. तो 1030 हमारा देखो क्या है, देखो 1030 डिग्री, दैट इज इक्वल टू एच बाई 50 प्लस एक्स, एच बाई 50 प्लस एक्स. ठीक है, 1030 हमारा कितना होता है, 1/√3. तो 1/√3 इज इक्वल टू एच बाई 50 प्लस एक्स. ठीक है, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपका देखो क्या आएगा, 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3 एच. ठीक है, Now, अब आपको निकालना क्या है, ओनली एच निकालना है, आपको एक्स निकालने की जरूरत नहीं. तो हम एक्स में वी विल पुट एच की वैल्यू. तो यहां पर एच इज इक्वल टू √3 एक्स है, तो एक्स कितना हो गया, देखो एक्स इज इक्वल टू एच बाय √3. तो ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपका आ जाएगा 50 प्लस एच बाई √3 इज इक्वल टू √3 एच. ठीक है, नाउ अब एच एंड √3, या यहां पर आप √3 को क्या करेंगे, रैशनलाइज करके लेके जाओ, अदरवाइज आप एलसीएम ले लो.
तो हमने यहां पर एलसीएम ले लिया तो हमारा आ गया रूट थ्री। तो अब आपका आ गया 50 रूट थ्री प्लस एच इज इक्वल टू रूट थ्री एच। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपका आ जाएगा 50 रूट थ्री प्लस एच इज इक्वल टू 3h। नाउ h को इस साइड में लेकर आ जाओ तो आपका क्या आ जाएगा, देखो 50 रूट थ्री इज इक्वल टू 3h माइनस h दैट इज 2h। तो 2h इज इक्वल टू 50 रूट थ्री। ठीक है, तो h इज इक्वल टू वी कैन से 50 रूट थ्री बाई 2 दैट इज इक्वल टू 25 रूट थ्री मीटर्स। ठीक है, तो एक तो आंसर आपका ये हो गया 50 रूट थ्री मीटर्स। नाउ लेकिन एग्जाम के लिए आपको रूट थ्री की वैल्यू डालनी है तो वी नो दैट रूट थ्री इज 1.732। तो अब आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 25 इंटू 1.732। नाउ ठीक है, हो गया। तो अब 25 इंटू 1.732 कितना होता है करके देखते हैं। 1.732 इंटू 25 तो 5 2 10 वन कैरी 15 16 वन कैरी 35 36 थ्री कैरी 5 and 3 is 8 नेक्स्ट इज 4 6 14 and 3 तो आपका आ गया 0 0 13 1 carry 8 1 9 9 plus 4 is 13 1 carry 4 4 3 3 0 0 और पॉइंट कहां पर है, यहां पर। तो दैट मींस आपकी वैल्यू आ गई 43.3 meters 43.3 meters इज योर हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो आपको इसको इस तरह से करना है।